पावर हाउस बस स्टैंड को फिर से चालू किए जाने का निर्णय महापौर, निगम आयुक्त और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की संयुक्त रूप से हुई बैठक में लिया गया था, जिसके उपरांत शनिवार को रविशंकर शुक्ल मार्केट पावर हाउस के व्यापारियों की संपन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय के लिए महापौर एवं निगम आयुक्त का आभार जताया गया। पावर हाउस रविशंकर शुक्ल मार्केट स्थित बस स्टैंड में एक बार फिर से रौनक और चहल पहल देखने को मिलेगी। महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ संपन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शनिवार को कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमनशील की रविशंकर शुक्ल मार्केट के व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें पावर हाउस बस स्टैंड के फिर से संचालन किए जाने को लेकर महापौर नीरज पाल और नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास का आभार जताया गया। बस स्टैंड के फिर से संचालन को लेकर संगठन के अध्यक्ष सुमनशील विभिन्न माध्यमों से पूर्व से ही प्रयासरत रहे हैं। इस अवसर पर सुमनशील सहित अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई की जो धरोहर है उसमें से एक भिलाई पावर हाउस बस स्टैंड जो रविशंकर शुक्ला मार्केट में स्थित है, यह बस स्टैंड कई सालों से इस बस प्रतीक्षालय में बसों को खड़ा करने का कहीं ना कहीं रोकने का कार्य चल रहा था, जिसके संबंध में अभी वर्तमान में हमारे भिलाई नगर निगम के वर्तमान आयुक्त महोदय जी के दौरे के समय उनसे चर्चा कर इस वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था और उनको ये मांग किया गया था कि यह बस स्टैंड में जो कि भिलाई का एकमात्र बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड जो कि रविशंकर शुक्ल जी के नाम से भी निर्मित है और सन 1978 से यह बस स्टैंड निर्मित था, जिसके लिए यहाँ धरोहर जो भिलाई की धरोहर के रूप में रहे और यहाँ पे बस प्रतीक्षालय में बसों को खड़ा करने का कार्य किया जाए। और साथ ही एक मांग ये भी थी कि जयपुर से जाने वाली जो बसें हैं उसे भी इस बस स्टैंड में खड़ा करने का कार्य करवाया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए कल हमारे आयुक्त महोदय जी ने इस पर एक बैठक चर्चा करके इस मांग को स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आयुक्त महोदय जी को अपनी ओर से उन्हें आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस कार्यों को प्रारंभ किया जाए। जी हाँ, हमारे यहाँ पावर हाउस बस स्टैंड जो भिलाई में स्थित है, यहाँ पर आयुक्त साहब ने बस स्टैंड को चालू करने के लिए, बस स्थापित खड़े करने के लिए कार्य किया, उनके लिए बहुत बहुत आयुक्त साहब को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी प्रकार की जो भी बसें आती हैं, रायपुर, दुर्ग, अईवारा, सभी आके यहाँ स्थापित खड़ी रहें और यात्री यहाँ से उतरना चढ़ना करें, यही हम लोग की मार्केट रविशंकर शुक्ला मार्केट वालों की इच्छा है। इस कार्य के लिए सुमनशील जी ने बहुत बहुत प्रयास किया और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आई साहब को भी मार्केट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे पावर हाउस बस स्टैंड को चालू करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और सुमनशील को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कम से कम ये पावर हाउस बस स्टैंड चालू हो जाएगा तो काफ़ी मार्केट की रौनक भी बढ़ जाएगी और लोगों को आगमन के लिए भी साधन मिल जाएंगे। काफ़ी समय से यहाँ बस स्टैंड बंद पड़ा हुआ है, बस स्टैंड चालू हुए भी भरे हुए भी कम से कम 15 साल हो गए, उसके बाद में कोई भी बस यहाँ आती जाती नहीं है, कम से कम बस आने जाने शुरू हो जाएगा तो कम से कम लोगों को आराम मिलेगा और अच्छा रहेगा जो क्या है, यही मैं आपको बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि पिछले लंबे वक्त से दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दुर्ग की ओर आवाजाही कर रही बसों के ड्राइवरों द्वारा पावर हाउस में हाईवे में ही बसों को खड़ी कर यात्रियों को गाड़ियों में बैठाने और उतारने का कार्य किया जाता है, जिससे नेशनल हाईवे में हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। पावर हाउस बस स्टैंड को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया था, अब इसके फिर से संचालन किए जाने के निर्णय से स्थानीय दुकानदारों में हर्ष है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।